एनडीएच न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 2340 साल बाद भी एक विशेष तरह के लेप के साथ जयपुर के अल्बर्ट म्यूजियम में रखी मिस्र की ममी पहले की तरह ही पाई गई है। यहाँ हल्की रोशनी और खास सुरक्षा उपकरणों के बीच सजी इजिप्शियन ममी को देखने रोजाना सैकड़ों सैलानी आते हैं। यह संभवतः देश का पहला म्यूजियम है जो रात में भी खुलता है। दिल्ली नेशनल म्यूजियम की पहल पर मिस्र की ममी विशेषज्ञ रानिया अहमद और नेशनल म्यूजियम से आए रसायन शाखा के अमलकांत पाठक ने आज 2.5 घंटे तक इन्वेस्टिगेट कर यह जानकारी दी। विभाग के ACS सुबोध अग्रवाल ने साझा किया कि टीम ने ममी की हालत को अच्छा बताते हुए इसके रखरखाव की भी तारीफ की। इससे पहले मार्च 2011 में राज्य सरकार के स्पेशल बुलावे पर मिस्र से 3 लोगों की टीम ने इस ममी का निरीक्षण कर एक्सरे लिया था। इस ममी की समय समय पर देखभाल की जाती है। ये देखभाल राज्य पुरातत्व विभाग के केमिकल डिवीजन के लोग करते हैं। वहीं ये काम मिस्र के कैरो म्यूजियम के एक सपर्क्स के निर्देशानुसार होता है। वर्ष 1999 और 2011 में मिस्र से एक दल जयपुर आया था। उसने इस ममी का एक्सरे कराकर रासायनिक उपचार किया। अल्बर्ट म्यूजियम में गौरतलब हजारों साल पुरानी डेड बॉडी के ऊपर मसाला लगाकर उसे रखा गया है। अल्बर्ट हॉल के बीचों बीच यह निष्प्राण देह आज भी उसी तरह दिखती है जैसे कि कोई अभी अभी मर रहा हो और उसका पार्थिव शरीर रखा गया हो। यहाँ रोज सैकड़ों सैलानी घूमने आते हैं। यहाँ रखी पुरानी वस्तुओं को देख रोमांच से भर जाते हैं।